10 चक्का एलपी ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा, मौके पर हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों व परिजनों ने मुआवजा को लेकर पतरातू रांची मुख्य मार्ग को किया जाम। पतरातू डैम स्थित शंकर ढाबा से महज कुछ दूरी पर पतरातू रांची मुख्य मार्ग सड़क किनारे होटल ग्रीन वैली के संचालक नरेश सिंह, उम्र लगभग 55 वर्ष, पिता स्वर्गीय मोगो सिंह, ग्राम पंचायत तालाटाड़, ग्राम उचरिंगा, थाना पतरातू निवासी अपने होटल से साइकिल लेकर सड़क पर निकले ही थे कि रांची की ओर से तेज रफ्तार से आ रही एलपी 10 चक्का ट्रक MH40A के 7127 से साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे साइकिल सवार समेत साइकिल ट्रक के अगले हिस्से में फंस गई और ट्रक साइकिल को घसीटते हुए लगभग 100 मीटर आगे जाकर राहगीरों के हल्ला करने पर रुकी। वहीं ट्रक दुर्घटना में मौके पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी पतरातू पुलिस को मिली। पतरातू पुलिस अविलंब दुर्घटना स्थल पर पहुंची, जहां ट्रक चालक और उपचालक को अपने कब्जे में लेकर पतरातू थाना लेकर आई। वहीं दुर्घटना में हुई मौत पर उचरिंगा गांव के आक्रोशित ग्रामीणों ने पतरातू रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों के द्वारा दुर्घटना में हुई मौत पर उचित मुआवजा की मांग की जा रही थी। ऐसी स्थिति में कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इसलिए पतरातू पुलिस थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह, ASI दिनेश तिवारी व पतरातू थाना सशस्त्र बल उपस्थित रहे। इस दुर्घटना पर आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा BDO एवं CO को घटनास्थल पर बुलाए जाने की मांग की गई, ताकि दुर्घटना में मृत युवक के परिजनों को उचित मुआवजा मिल सके। विदित हो कि उक्त दुर्घटना स्थल पर जब से सड़क का चौड़ीकरण हुई है, तब से अभी तक सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में ग्रामीण उक्त दुर्घटना स्थल पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की भी मांग कर रहे हैं। पतरातू से जयकिशन पाठक की रिपोर्ट।